हेलो फ्रेंड्स आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2000 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक आधे दिन पहले ही अभी यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स अपलोड किए हैं कोशिश करें कि वो मार्क्स को भूल जाएं और उससे सीख लेते हुए नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी और अच्छे से करें स्पेशली जो सेकेंड और थर्ड टाइमर्स हैं टाइम बहुत क्रूशल है एंड मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट एंड प्रिलिम्स काफ़ी नज़दीक है एंड अपनी प्रिलिम्स की रिविज़न जोरों शोरों से तैयार रखें जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि वो ज़्यादा डिस्कशंस में ना पड़े कि ये ऑप्शनल अच्छा है ये ऑप्शनल अच्छा नहीं है या इसमें ऑप्शनल में मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं ये टाइम ये डिस्कस करने का नहीं है ऑप्शनल को छोड़ के अपने प्रीलिम्स की ओर ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स से अपना फोकस नहीं हटना चाहिए इस टाइम पे अगर प्रीलिम्स से फोकस हट गया तो ऑप्शनल और ये सब चीज़ें मैटर करेंगी ही नहीं जिनका भी बहुत क्लोज कट uh, ऑफ के पास आके नहीं क्लियर हुआ मेक श्योर sure करें कि वो और डबल मेहनत करें एंड कंप्लेसेंट ना हो इवन जिनका क्लियर हुआ है काफी मार्जिन से जरूरी नहीं है कि अगला पेपर उसी लाइंस पे आएगा जिस लाइंस पे आप, आपने प्रिपेयर किया है सो मेक श्योर करें कि बिल्कुल भी कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी और अपनी प्रिलिम्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से एकदम हाई स्पिरिट में करते रहना है ठीक है तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं टू के पहला क्वेश्चन है द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक दिस फिनोमिना इज नोन एज क्वेश्चन थोड़ा इजी है अगर हम ऑप्शंस देखेंगे हमें ऑप्शन से काफ़ी इजीली हम गेस कर सकते हैं कि ये डेकोरम की बात कर रहा है टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक ऐसा काफ़ी बार होता है हमारे स्पीकर ने काफी बार ऐसा कहा है कि एक मेंबर को रोक के दूसरे मेंबर को कहने के लिए आगे बात करने के लिए कहा है टू मेंटेन डेकोरम सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेकोरम बट बाकी जो तीन टर्म्स हैं वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो कल को क्वेश्चन में पूछी जाती है प्रिलिम्स में तो हमें पता होना चाहिए क्रॉसिंग द फ्लोर इज बेसिकली कि आप जब आ, अपनी जो अप्रूव्ड पार्टी है अप्रूव्ड पार्टी ने जो वोट करने के लिए कहा है जब उस डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं तो दैट मीन्स क्रॉसिंग द फ्लोर अब ये रिसेंटली uh, इंडिया में अमेंडमेंट्स के बाद ये डिफेक्शन लॉ आने के बाद ये पॉसिबल नहीं है काफ़ी सारे इसमें कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं बट पहले ऐसा होता था एंड बाहर की कंट्रीज में अभी भी ऐसा काफ़ी जगहों पे होता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग द फ्लोर विच मीन्स जो उसके पार्टी ने ऑलरेडी उसको डायरेक्शन दी है कि एक्स को वोट करना है या एक मैटर को लेके येस और नो वोट करना है उसके कॉन्ट्रेरी अगर कोई वोट करता है सो दैट इज़ नोन एज क्रॉसिंग द फ्लोर अनदर टर्म इज इंटरपलेशन इंटरपलेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है एंड ये काफी लेजिस्लेश में यूज किया जाता है जब एक लेजिस्लेटिव बॉडीज जब गवर्नमेंट ऑफिशियल को एक एक्ट या पॉलिसी एक्सप्लेन करने को कहती है टू एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन पॉलिसी और एक्ट लेट से हमारे लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है एंड उस बिल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने बोला है कि जो इसके वेरियस कॉन्टूर्स हैं या वेरियस पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करो तो दिस विल बी नोन एज इंटरपलेशन कल को अगर ये टर्म आपके यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप, रूप फॉर्म में आती है तो आपको आना चाहिए द फ्लोर काफी सिंपल है हमें पता है द फ्लोर मतलब आपने अपना जो पॉइंट है वो रख दिया और नेक्स्ट स्पीकर को बोलने के लिए आपने उनको मौका दिया है नेक्स्ट जो कैंडिडेट uh, है मेंबर को उनको बोलने के लिए मौका दिया है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेकोरम एंड ईल्डिंग द फ्लोर ईल्डिंग द फ्लोर वॉलेंट्री होता है एंड ये स्पीकर खुद करता है जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए डेकोरम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वाइल डिलीवरिंग द प्रेजिडेंशियल एड्रेस कांग्रेस प्रेजिडेंट हुटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज वॉज यह एक मेमरी बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको यह याद होना चाहिए है द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जो 1938 का हरिपुरा सेशन था काफी इंपॉर्टेंट सेशन था इसमें काफी और भी चीजें हुई थी ठीक है जो 1938 का हरिपुरा सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन है इसको याद रख लें एंड उसी आ, उसी स्पीच के टाइम पे प्रेसिडेंशियल एड्रेस के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने एडवोकेट किया था रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज ठीक है सो द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस इसको अच्छे से याद कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के ऊपर काफी काफी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं ये चार स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक बात जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सेकेंड स्टेटमेंट सेज ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अच्छे से नोट करें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की दिस इज ऑल्सो करेक्ट ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दिस इज इनकरेक्ट रादर ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसको अच्छे से याद कर लें कि कोई भी पार्लियामेंट uh, के हाउस का मेंबर उसको उनको नहीं होना चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज ही कैन बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट बाई पार्लियामेंट जो हमारा आर्टिकल 76 है वो कहता है कि जो, जो हमारा अटोर्नी जनरल है ही शुड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है सो प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर सकता है इजीली एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंपीचमेंट सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द आंसर इज ए करेक्ट पूछा गया है बड़े अच्छे से पढ़े क्वेश्चन में हमारा करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो हमारा ये हो जाता करेक्ट पूछा है तो आंसर इज ए ओवर हेयर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग फंक्शनरीज क्वेश्चन क्या कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारी लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से पीछे बैक अपेंडिक्स में दी गई है उसको अच्छे से देखें स्पेशली जो प्रेसिडेंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक अच्छे से याद करें कि वन पे कौन है टू पे कौन है थ्री पे कौन है फोर पे कौन है फाइव पे कौन है सिक्स पे कौन है सेवन पे कौन है तो देख लेते हैं थोड़ा सा फर्स्ट पे हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट है थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर है फोर्थ पे गवर्नर है फिफ्थ पे फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं ठीक है सिक्स पे हमारा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जो इस टाइम पे कोई भी नहीं है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड सेवेंथ पे हमारे हमारा जाके आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एटलीस्ट यहां तक आपको याद होना चाहिए इसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आ जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को ऊपर होना चाहिए या कैबिनेट चीफ इलेक्शन कमीशन को ऊपर होना चाहिए तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे हाई प्रेसिडेंस है उसके बाद इट इज़ वेरी नॉर्मली हमें पता है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है उसके बाद इन दोनों में डाउट आता है जनरली कि चीफ इलेक्शन कमीशन हमारा ज़्यादा हाई है या फिर हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ज़्यादा है ठीक है सो इस चीज़ के लिए याद रखने के लिए ये चीज़ को ध्यान रखिए जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं डेमोक्रेसी में वो खुद मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं ठीक है सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनका जो प्रेसिडेंस है इट इज़ हायर देन द चीफ इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी तो अपने आप नीचे आता है तो इस चीज़ को याद रखने का तरीका यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो काफ़ी हाई है यह हमने सी और स्पीकर ऑफ लोकसभा में देखा यहाँ पे बट इसके बाद जो हम अगर हमें कभी भी डाउट आता है तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट बना के अपना चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशनर्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसीलिए इस, इनका जो प्रेसिडेंस है इट इज हायर देन द चीफ इलेक्शन कमीशन सो द आंसर आंसर इज दी टू वन सेवन तक याद रखना बहुत जरूरी है पूरी लिस्ट याद हो जाए बहुत अच्छी बात है बट एटलीस्ट सेवन तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए एंड द आंसर इज ए ओके सॉरी फोर थ्री टू वन आंसर इज बी ओवर हेयर

कांग्रेस तो स्टेटमेंट जो है इन करेक्ट है फर्स्ट इंडियन वोमेन अगर ट्वेंटी फाइव बट जो फर्स्ट वी वॉज एनी बेसेंट इन नाइनटीन सेवनटीन ये स्टेटिक पोर्शन का याद कर लीजिए तो, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट मेन टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस दिस इज इन करेक्ट जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज सी आर दास वॉज इन प्रिज़न वेन ही फंक्शनड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस दिस इज करेक्ट अहमदाबाद सेशन था 1921 में इस टाइम पे ही वॉज इन प्रिज़न वेन ही एक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस एम बेसिकली जो एम है ही द फर्स्ट ब्रिटिशर दिस इज इन करेक्ट जो फर्स्ट इंग्लिशमैन था या फर्स्ट ब्रिटिशर था वो था जॉर्ज यूल इन 1888 इस चीज को अच्छे से याद कर लो कल को अगर ऐसे स्टेटमेंट से घुमा फिरा के और कोई क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है या सीधा पूछ लेता है हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस फर्स्ट ब्रिटिशर टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस सो आंसर इज जॉर्ज यूल 1888 ये डायरेक्टली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाए ना जाए बट आपको थोड़ा सी नॉलेज एक्स्ट्रा यहाँ पे पता लगनी बहुत जरूरी है याद रखनी भी बहुत जरूरी है कि क्या हमारा क्वेश्चन और उसके स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ स्टेटमेंट

इसमें हमारे लैंड ग्रैंड्स दिए हैं काफी सारे चार लैंड ग्रैंड्स दिए हैं ये क्वेश्चन उठाने का मेन मोटिव यही था कि ये जो सारे टर्म्स हैं इससे भी आप थोड़ा सा और परिचित हो जाएं कि इक्ता सिस्टम क्या था जागीर सिस्टम क्या था अमराम सिस्टम क्या था मुकासा क्या था ये जो चारों चीज़ें हैं दिस ऑल फोर आर लैंड ग्रांट्स ठीक है कल को अगर क्वेश्चन आता है हमारे यूपीएससी में कि मिडिवल टाइम में अमराम काफी फेमस था व्हाट वाज अमराम सीधा अमराम आपसे पूछा गया है सो इट वाज लैंड ग्रैंड मुकासा पूछा गया है इट वाज लैंड ग्रैंड अगर सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है मैच द फॉलोइंग तो देखते हैं इकता सिस्टम जो था हमारा दिल्ली सुल्तानस के टाइम पे था इलतुत ने शुरू किया था एंड इट वॉज वेरी फेमस ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत जागीर सिस्टम हमारा मुगल्स के टाइम पे काफ़ी फेमस uh, था एंड सिमिलरली जो हमारा अमराम था इट वाज़ फेमस ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर मोकासा एम फॉर मोकासा एम फॉर मराठास दिस वाज़ फेमस ड्यूरिंग मराठास ठीक है सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी फर्स्ट का बी सेकेंड का सी थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रोरिंग फोर्टीज हमारे एनसीआर uh, में भी दिया हुआ है ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काफी सिंपल क्वेश्चन है बट गलत होने के काफी ज्यादा चांसेस है अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान ना दें अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोरिंग फोर्टीज पहला स्टेटमेंट है दे ब्लो अन इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिसफेयर ठीक है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कीवर्ड्स को हमारा नोट कर लेना है हमारे क्या कहते हैं कि कीवर्ड्स हमारा क्या है क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है जो हमारे रोरिंग फोर्टीज होते हैं इट लाइज बिटवीन 40 डिग्री साउथ एंड 50 डिग्री साउथ और यहीं पे अन इंटरप्टेड ये चलते हैं एज अ परमानेंट विंड सो दे ब्लो अन इंटरप्टेड इन द नॉर्दर्न एंड एज वेल एज सदर्न सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज दे ब्लो अन इंटरप्टेड ओनली इन द सदर्न हेमस्फेयर बिटवीन फोर्टी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री साउथ द सेकेंड स्टेटमेंट इज द ब्लो विथ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंसी दिस इज करेक्ट द थर्ड स्टेटमेंट से इज दर डायरेक्शन इज जनरली फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन द सदर्न हेमेस्फेयर बिल्कुल ठीक बात इस चीज को अभी अच्छे से याद रख लो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारी रोलिंग फोर्टीज की डायरेक्शन है वेस्टलीस की डायरेक्शन है इन द सदर्न हेमेस्फेयर ओके सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट फोर्थ स्टेटमेंट सेवरका एसोसिएटेड विद ये सब चीजें हमें काफी इजिली पता है हमें जब इतना नॉलेज हो गया कि फोर्टी डिग्री साउथ एंड फिफ्टी डिग्री साउथ के बीच में रोरिंग फोर्टीज नाम में ही छुपा है रोरिंग फोर्टीज तो बाकी चीजें हमें अपनी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से हम निकाल सकते हैं द ओनली प्रॉब्लम जो हमें कभी याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट फ्लोज अन इंटरप्टेड ओनली इन द सदर्न हेमोस्फेयर एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम जाएं तो फर्स्ट अगर गलत है तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है बट स्टिल बाकी तीन स्टेटमेंट आसान होने के बाद भी एक बार पढ़ लें कि क्या कह रहे हैं एंड अंडरस्टैंडिंग अपनी और बेटर कर लें ठीक है सो द आंसर इज बी टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन में जैसे ही आपका स्पेशली अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है वर्ड उसको अच्छे से आप एंसर्कल करें जिससे आप सिली मिस्टेक्स ना करें आता हुआ क्वेश्चन गलत करना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है हमारे प्रेलम्स में तो कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक ना करें कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर दें स्टेटमेंट वन हमारा कह रहा है ए पार्ट घग्गर्स वॉटर इज यूटिलाइज इन द इंदिरा गांधी कैनाल इंदिरा गांधी गांधी कैनाल जो है वो हमारे हरिके के बैराज से निकलती है सुल्तानपुर में सतलुज पे है ये बेस्ड ठीक है एंड गग्गर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती सो so, ये सतलुज की बात कर रहा है ये सरस्वती की बात कर रहा है बोथ आर डिफरेंट रिवर्स एंड दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके सो घग्गर के बारे में हमने पढ़ा हमने यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ा कि वो हरी के बैराज सतलुज से निकल के फ्लो uh, करती है राजस्थान की तरफ एंड घग्गर जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती एंड that is why this statement is incorrect that ghaggar's water is utilized in the Indra gandhi khela dono different river system ke hain to ye statement hamara galat ho jata hai aage ki statements bhi dekh lete hain for future reference narmada rises from amarkantak region bilkul theek baat amarkantak region hamare mp mein hai यहाँ से नर्मदा rise करती है इस तरफ को अमरकंटक region यहाँ पे है and इधर से हमारी westward flowing हमारी नर्मदा river है एक और जो इंपॉर्टेंट रिवर हमारी अमरकंटक से निकलती है दैट इज सोन रिवर एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है सो अमरकंटक रीजन से हमारी दो रिवर्स निकलती हैं एक तो नर्मदा और एक सोन सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट थर्ड स्टेटमेंट इज निजाम सागर इज सिचुएटेड ऑन द मांजरा रिवर मांजरा रिवर जो है वो हमारा इट इज यहां पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी गोदावरी की ठीक है गोदावरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अच्छे से पढ़े मांजरा रिवर कल को अगर क्वेश्चन आता है निजाम सागर भी इसी पे स्टेट इसी पे बेस्ड है एंड मांजरा रिवर जो है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी कह रहा है पेन गंगा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हमारी गोदावरी गोदावरी की सारी ट्रिब्यूटरीज अच्छे से पढ़ लें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे पेन गंगा वैन गंगा वारधा ये सारे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी तरीके में कोई ना कोई रिवर के बारे में जनरली यूपीएससी uh, हमारे पूछ ही लेता है तो इसमें हमने घग्गर रिवर के बारे में पढ़ा इसमें हमने हरी के बैराज के बारे में पढ़ा इंदिरा गांधी कैनाल अमरकंटक रीजन से कौन सी दो रिवर्स निकलती हैं कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अराइज फ्रॉम अमरकंटक रीजन एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो हमने देखा निजाम सागर कहाँ पे सिचुएटेड है ये देखा मांजरा रिवर कहाँ पे है किसकी ट्रिब्यूटरी है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी एंड फिर हमने कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी जैसे पेनगंगा वैन गंगा, गंगा वारधा प्रणहित तो ये तीन चार हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की गोदावरी रिवर सिस्टम हमारा यहाँ से रिवाइज हो जाता है ठीक है सो आंसर इज ए वो हमने ऑलरेडी देख लिया था अब एक एक चीज चीज से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पे हमारी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी की यहाँ पे ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ए बी सी डी चार मार्क्ड हैं ये ए है ये बी है आई होप क्लियर है ये सी है, है, है और ये डी है तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है मैच द डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी लेबल्ड एज ए बी सी डी इन द गि मैप विद दर रिस्पेक्टिव नेम्स ठीक है सो हमारे चार नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कराईकाल माहे पौंडीचेरी यनम तो इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है सबसे पहले हमारा जो है हमें पौंडीचेरी याद होना चाहिए कि पौंडीचेरी कहाँ पे है पौंडीचेरी हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं है से थोड़ा ऊपर जो है जो हमारा सी पार्ट है दिस इज पॉंडीचेरी पॉन्दीचेरी को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से देखो हमारे मैप पे कहा इन्वर्टेड एल यहां पे हमारा जो है इट इज कराईकाल ठीक है काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था ये एंशियंट टाइम्स में कराईकाल यहां पे है जो हमारे बिल्कुल इन्वर्टेड एल पे कैसे कराईकाल है सी से हमारा जो जस्ट उसके ऊपर हमारा पौंडीचेरी है और यहां पे यमन है माहे हमारा बिल्कुल अलग से ए दूसरी तरफ है हमारे वेस्ट कोस्ट पे माहे है तो यही है वाई पी के वाई पी के हमारा नॉर्थ टू साउथ जो है यूनियन टेरिटरी के जो पोर्ट्स हैं वो ऐसे लगे हैं पी के और हमारे वेस्ट में हमारा माहे है ठीक है सो so, यही तरीका है इसको याद करने का सो so, हम इसको अब वो करते हैं मैच करते हैं ए जो है हमारा है तो ए का टू हमारा ठीक है ए का टू यहां पे, बी का हमारा बी जो हमने अभी देखा कराईकल बी का कराईकल दोनों ठीक है सी का सीकथ थ्री सीकथ थ्री पांडिचेरी ठीक है तो ए हमारा इसका आंसर निकल के आता है ये देख लीजिए ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं तो इसको अच्छे से देखो कि हमारे पाण्डिचेरी का माहे जो है हमारा वेस्ट में है बाकी तीनों जो है वो वाई पी के ऐसे एल्फाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं वाई पी के ठीक है सो so ये तरीका है कि इससे हमें याद हो जाएगा कि जो वाई पी के हमारा डिक्रीजिंग एल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे तीन पार्ट्स हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ पाण्डिचेरी के तो आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट काफी इजी क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन एक को एक बार ध्यान से देखें जो इसका आंसर है दैट इज एलिमिनेशन से भी आ जाता है रेडियो वेव्स ठीक है रेडियो वेव्स यूज होती है हमारे टीवी रिमोट सेट में अब ब्लैक होल के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है रिसेंट पिक्चर्स uh, भी निकल के आई हैं अब ब्लैक होल इज अ बॉडी इन स्पेस Which डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू चार ऑप्शन दिए हैं जो हमारे ब्लैक होल की प्रॉपर्टी है उसके बारे में पूछा है जो वेरी स्मॉल साइज पहले ऑप्शन देख लेते हैं वेरी लार्ज साइज वेरी हाई डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ये जो हमारा ब्लैक होल है ये किस लिए फॉर्म होता है इट इज बिकॉज ऑफ डी फॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम स्पेस एंड टाइम बिकॉज ऑफ वेरी कॉम्पैक्ट मास बस इतना याद रख लो अगर आपका ब्लैक होल रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आता है कल को तो आप सॉल्व करने में आसानी रहेगी ये जो एक ब्लैक होल है इट इज फॉर्म ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी अभी हाई डेंसिटी किस लिए आती है क्योंकि जो हमारा स्पेस टाइम है उसमें डिफॉर्मेशन आती है ड्यू टू वेरी कॉम्पैक्ट मास अगर आप इतना सा याद रख लो कि डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम ड्यू टू वेरी कॉम्पैक्ट मास तो आपका सीधा निकल के आएगा वेरी कॉम्पैक्ट मास किस लिए होगा वेरी हाई डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंसिटी है उसी वजह से जो हमारा मास है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे ठीक है ओके फ्रेंड्स प्रिलिम्स की तैयारी करते रहो ऐसे ही थैंक यू